आयोजन। बघेल क्षत्रिय महासभा की अगुवाई में अयोध्या में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन लक्ष्मण घाट सरजू मैया के तट पर किया जा रहा है, जहां पर श्रीमद् भागवत आचार्य के रूप में विश्व विख्यात श्रीमद् भागवत आचार्य पंडित सुरेश कुमार शास्त्री मटियाली के मुखारविंद से भक्तों को कथा का श्रवण किया जा रहा है, जहां पर श्री श्री 1008 राम शरण दास महाराज जी ने उनका आज स्वागत किया। देखिए आपकी जन अदालत न्यूज पर सी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर परिषद के रूप में पन्नालाल बघेल को बनाया गया है। सुनिए आज धुन, देखिए आखिरकार तीर्थ में अयोध्या धाम में कथा का क्या महत्व है, जानिए विश्व विख्यात कथावाचक पंडित सुरेश कुमार शास्त्री के मुखारविंद से। आपको भगवान ने मानव शरीर दिया है, इसलिए आप अयोध्या की पावन नगरी में आकर के आप अपने कल्याण करने के लिए, अपने पूर्वजों के कल्याण करने के लिए यहां पधारे। एक कथा घर में होती है उसे कथा कहते हैं, एक तीर्थ में होती है ये महाकथा है। घर में कथा करने वालों को एक गुना पुण्य प्राप्त होता है और जो तीर्थ में कथा करवाता है उसको 1000 गुना फल मिलता है। ऐसी ही पुण्यदायी पावन कथा है। तुंगभद्रा नदी के पावन तट एक रमणीक नगर है, वो रमण नगर कौन है, चलो आपको बता रहा हूं। उस नगर का नाम काया नगर के बंगला बनो है। इस तुंगभद्रा नदी के पावन तट काया नगर है, इसमें रहने वाला आत्मदेव ही आत्मा ही आत्मदेव है। वो आत्मदेव की पत्नी का नाम क्या है, धुंधुली, और यहां आत्मा की पत्नी का नाम क्या है, बुद्धि। महाराज आत्मदेव को बहुत सा समय हो गया लेकिन कोई संतान नहीं। बड़े दुखी हो रहे हैं। आत्मदेव महाराज बड़े सरल हैं, सीधे हैं, लेकिन धुंधुली पत्नी जी बड़ी खरी है। आत्मदेव महाराज कहते पूरब की तो पश्चिम को जाए, पश्चिम की कहे तो उत्तर को जाए, खीर खाने की इच्छा हो बादना खिचड़ी बनाए के बैठ जाए। दो चार पास पड़ोसनियों से जब तक लड़ाई झगड़े ना कर लेवे तब तक धुंधुली के पेट को पानी ना पचे। लड़ाई झगड़ा बड़ा पसंद था। आज उन्होंने 60 वर्ष का समय हो गया दाम्पत्य जीवन को व्यतीत करते हुए, लेकिन बड़े दुखी हैं। या जग में सुत के बिना और करते सभी बिलाप, पर कपूत के उपजे पणो कठिन संताप। यह संसार में काऊ भैया के बेटा बेटी ना हो गए, बड़ो भारी दुखी रहे, बेटा ही ना है, रोने लगते हैं, और जिनके बेटा है उनसे पूछो तुम कितने सुखी हो। ईमानदारी से कहना यहां कोई संसार में अपने बेटों से सुखी नहीं। राम जैसे पुत्र बन के आए तो दशरथ जी महाराज को मोह में जाना पड़ा, कृष्ण जैसे पुत्र बन के आए वसुदेव देवकी को सारी जिंदगी भर बंदी गृह में रहना पड़ा। कई लोग कहते महाराज मेरी एक बेटा है, एक और होता तो मेरी सेवा कर देता कोई ना कोई एक। राजा सगर के संतते सगरो दुखम, राजा सगर के 60,000 बेटा थे, 60,000 एक क्षण में नष्ट हो गए। ये भाग्य से नहीं प्रारब्ध से मिलता है आपको सब। धनार्धम धर्म मात्रेण, आत्मदेव महाराज ने घर की संपत्ति को बांटना शुरू किया, वितरण करना शुरू किया, संतों को ब्राह्मणों को दान करना शुरू किया। कितना, आधी संपत्ति को वितरण कर दिया। न पुत्री नापि पुत्रो वा तत चिंतातुरो भृशम, फिर भी कोई पुत्र पुत्री ना है भाई। अंत में ब्राह्मण दुखी होकर के जंगल को जा रहे हैं, चिंता करते हुए, मेरा तारे प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले।
संत मिले मोहे संत मिले, संत मिले मोहे संत मिले, गुरु मिले मोहे गुरु मिले, गुरु मिले मोहे गुरु दर्श के बड़े महात्म दुर्लभ जग में संत समागम, संत दर्श के बड़े महात्म दुर्लभ जग में संत समागम, मेरे मन के भ्रम को तोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े निरंकार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, श्री राधे ताली बजाते हुए सब लोग संत मिले, निरंकार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। आत्मदेव महाराज जंगल की ओर जा रहे हैं, एक सरोवर के तट पर जाकर के बैठ गए। बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिना हरि कृपा के संतों का दर्शन नहीं मिलता। संत का तो मिल सकता है लेकिन संता का मिलना बड़ा दुर्लभ है। संता का पद एक हमारे अनंत बलवंत श्री रामदूत हनुमान जी को मिला, दूसरे को संता का पद प्राप्त नहीं हुआ। इतने में हरिगुण गायन करते वीणा को बजामते हुए नारद जी आ रहे हैं। नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण हरि नारायण नारायण हरि नारायण। या तर्पण किया फिर भी तेरा उद्धार ना है भयो, कहा गया श्राद्धम सते नापी, एक गया की कौन कहे सैकड़ों गया कर लो फिर भी मेरा उद्धार नहीं होगा। बताओ गया में पिंडदान करने से उद्धार हो जाता है, उसका उद्धार नहीं हो रहा। इसमें कुछ कारण है, ध्यान से सुनना इस बात को। अपने गोत्र कुल खानदान वाला कोई पिंडदान करता है तो उद्धार हो जाए, जब ये उस गोत्र का ही नहीं, ये तो सहेली का लड़का था। बताओ इसका गोत्र वाला होता और पिंडदान करता तो उसका उद्धार हो जाता, लेकिन सोगोत्री अगर पिंडदान करता है तो उद्धार हो जाएगा, दूसरे गोत्र वाला कोई करेगा उद्धार नहीं होगा। अच्छा भैया तुम एक काम करो कि आप अपने निज स्थान चले जाओ और रातों रात में उद्धार का उपाय सोच लूंगा। सारी रात हो गई गोकर्ण जी महाराज को विचार करते करते किसका उद्धार कैसे होगा। सवेरे होते होते ऋषि मुनियों से पूछा कि मेरे भैया का उद्धार का उपाय सोचें विचार करें, क्योंकि मैंने गया जी में पिंडदान किया इसका कुछ नहीं। सभी ऋषि मुनियों ने कहा गोकर्ण भैया इस विषय को पूछना है तो भगवान सूर्य भास्कर दिनकर दिवाकर मार्तंड भगवान सूर्य से पूछो, वही बता सकते हैं। प्रातःकाल की वेला में भगवान भास्कर का उदय हो रहा, गोकर्ण भैया ने अपने योग बल के प्रभाव से भगवान सूर्यदेव के रथ को रोक दिया। तुभ्यो नमो जगत साक्षं ब्रोही में मुक्ति है, जगत के साक्षी भगवान भास्कर मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप मेरे भैया के उद्धार का उपाय बताएं। तब सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाएं उद्धार हो जाएगा। गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की कथा को करना प्रारंभ कर दिया। प्रेत धुंधकारी यत्र तत्र घूम रहा है, कोई जगह ना मिल रही है,
सात गांठ का एक बांश है। बांश फोला था, उसके बीच में फंस गया, बैठ के कथा सुनने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी और हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, सभी लोग बोलेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 हरे हरे। सुखद गोदी में
माँ सरयू जी के सानिध्य में ये पावन अनुष्ठान श्रीमद् भागवत महायज्ञ का किया। आज के दिन हम आपके पूर्वज लोग भी यहाँ पर सरयू माँ गवाए हैं, धाम भगवान गवाए हैं। हमारे जीवन के संपूर्ण अगर अपराध बने वे लिखे जाएंगे तो आज का भी ये इतिहास सरयू माँ के सामने आपका लिखा जाएगा। पूर्वज लोग देख रहे होंगे इस बात को। इसलिए बंधुओं, ये भगवान का धाम है। बड़े बड़े महापुरुष जब त्रिलोकी नाथ भूभाग पर आए, उनसे बड़ा कौन हो सकता। तो आज हमें बड़ा हृदय में अनुराग है। मेरा 40 साल से बिछड़ा हुआ भाई, जिन्होंने भारत के ओर से छोर तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का गायन किया, ऐसे अनंत विभूषित पूज्य चरण पंडित श्री सुरेश दास शास्त्री, जो इंटरनेशनल जगत के बहुत ही श्रीमद् भागवत के पावन पवित्र विद्वान हैं, वे पूज्य श्री महाराज जी से हमारे बड़े मित्र हैं। जब मेरी 18 वर्ष की उम्र थी, तब पूज्य चरण की 14 वर्ष की उम्र थी, उस समय से हम लोगों के छोटे और बड़े भाई के रूप में ये नाता और रिश्ता कायम रहा। कुछ बीच का समय गैप हो गया, लेकिन अंतोगत्वा माँ बिछड़े पुत्रों को पुत्रों से मिलाती है। मैं रतनगढ़ की माता के श्री चरणों में उनके भक्तों के इस सद्भावना का पूरा पूरा आदर करते हुए हमारे बिछड़े हुए 40 भाई के वर्ष के भाई को भी मिला दिया। और ये आयोजन भी भव्यता दिव्यता के लिए परम चरम पर है। अदालत न्यूज को लगातार देखते रहिए और आपकी जन अदालत न्यूज पर नियमित खबरों के लिए जुड़ने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज में जो सब्सक्राइब बटन है, इस पर आप क्लिक करें और लगातार अपडेट पाने के लिए घंटी दबाना मत भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुँचती रहे। इसके साथ ही आपकी जन अदालत न्यूज फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। आपकी जन अदालत न्यूज फेसबुक पेज को देखने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज फेसबुक पेज का फॉलो बटन को आप क्लिक करें, फॉलो करें आपकी जन अदालत न्यूज को, और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज के साथ। आपकी जन अदालत न्यूज हरदम आपके साथ खड़ा है। जय हिंद। बघेल बिल्डिंग मटेरियल एंड सप्लायर, पता बुद्धपुरा भिंड भांडेर रोड, लहार, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। यहाँ पर अल्ट्राटेक सीमेंट के सभी ब्रांड उपलब्ध हैं। इसके साथ ही सीमेंट, गिट्टी, सरिया, रिंग, पाइप एवं बिल्डिंग मटेरियल के थोक विक्रेता है। आज ही संपर्क करें डीलर पूर्व सरपंच जगमोहन सिंह बघेल चांदा, मोबाइल नंबर 9329622।